प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से फिर से जी उठा, आज वो जीवित परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हालेलुया ऐसा परमेश्वर है जो मरा और मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। आज का संडे सबको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और जो है प्रभु का धन्यवाद हो कि लॉकडाउन अनलॉक जो है वो शुरू हो गया है। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि चर्चेस खुल गए हैं और लोग जा रहे हैं और आराधना के लिए आ रहे हैं। और जो है प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर भी हम जो है ये रिकॉर्डेड मैसेज जो है लाइव मैसेज आपके पास भेज रहे हैं ताकि आप प्रभु की आराधना करें। लेकिन हालेलुया विश्वासियों को तो प्रभु के भवन में तो आना ही है और प्रभु की स्तुति तो करनी है। हालेलुया प्रभु के भवन में हमारी सारी उत्तम उत्तम आशीषें रखी है। हालेलुया परमेश्वर के भवन में हम जाएंगे और हम सारे अच्छे पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया परमेश्वर के भवन में एक बार जाने से तो अच्छा है कि दुष्टों के घर में हजारों दिन से, तो मेरे लिए तो परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा होना, डेवड़ी पर खड़ा होना लिखा है। हालेलुया परम पवित्र स्थान में नहीं लेकिन डेवड़ी पर खड़ा होना मेरे लिए अच्छा लगता है। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको भी प्रभु के भवन का प्रेम आपके अंदर परमेश्वर उत्पन्न करे। हालेलुया आइए ये समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे कि परमेश्वर आज की आराधना सभा को आशीषित करे। हालेलुया और प्रभु परमेश्वर हर एक घर में प्रभु आज आशीषित करे। हालेलुया चाहे आप आराधना करने के लिए आ भी रहे हो लेकिन ये संदेश जरूर देखिएगा, आपको जब भी समय मिलेगा। हमारे बीच में डेविड है और डेविड प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। परमेश्वर आज की आराधना सभा को बहुत बहुत आशीषित करे। आज बहुत आशीष आपके लिए रखी है प्रियो, तो इसलिए बड़े उत्सुकता के साथ इस संगति में आप जो है शामिल हो जाइए। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर जिसमें आपने हमें हमेशा मौका दिया सुंदर सुबह देखने के लिए, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जैसे परमेश्वर जो भी लोग होंगे परमेश्वर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे परमेश्वर, सारे दर्शकों को हमेशा आप आशीष दीजिए परमेश्वर, उनके घरों में जाइए परमेश्वर, उन्हें बरकत दीजिए परमेश्वर और आपके नाम की स्तुति पाए परमेश्वर के द्वारा। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि पूरे परमेश्वर दुनिया में ऐसा माहौल है परमेश्वर इस परमेश्वर, लेकिन इस वक्त में भी परमेश्वर आप हमें संभाल के रखते हैं, इसलिए आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जिनको दिक्कतें हैं परेशानियाँ हैं परमेश्वर, आप उन्हें भी आज़ाद करें, ऐसे आपसे हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जैसे सभा में परमेश्वर हम गीत गाते हैं परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए परमेश्वर। हम ना करते हैं परमेश्वर, आप उसे ग्रहण करें परमेश्वर, और जो प्रचार होएगा परमेश्वर वो परमेश्वर लोगों के परमेश्वर मनों में जाकर काम करने पाए परमेश्वर, और परमेश्वर लोग उसको समझें और उस पर चलने भी पाए, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से कबूल कर पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे दर्शक बढ़ते जा रहे हैं और मुझे मालूम चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को आशीष मिलती जा रही है, और कुछ पास्टर मित्र मेरे भी जो है इन बातों के बारे में मुझे बता रहे थे, तो इसलिए हम चाहते कि ये सभा जो है सुबह सुबह हम जो है इसको दे देंगे ताकि हमारे इस मैसेज के द्वारा दूसरे भी आशीषित हो सके और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा ले सके। हालेलुया प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप में या ब्रॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आप कृपया इस फोन नंबर को नोट करिए और आप कृपया जो है मुझे व्हाट्सएप करिए और आपको हम फिर से अच्छे अच्छे कुछ मटेरियल भेजेंगे और प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करें। 9811225988 तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है जरूर संपर्क करिए और प्रभु परमेश्वर आपको अपने आशीषों से भरेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आइए हम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले क्या करना पड़ता है पता आपको? हालेलुया पवित्रता से शोभायमान, हालेलुया मलमल के और शुभ्र और पवित्र वस्त्र हम पहनेंगे, और इसलिए हमें अपने पापों से माफी मांगनी है। हालेलुया पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है, आज देता है, इसीलिए क्रूस पर रक्त बहाया। आइए इस गीत को गाएंगे
और प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस गीत को गाए 176 सॉन्ग नंबर, और हम सब मिलकर गाए और प्रभु में आनंद उठाए। प्रियो जगह हमें पाना।
Praise the Lord. Hallelujah. जिन्होंने यीशु नाम दान लिया है, हालेलुया, मैं चाहता हूं कि वे प्रभु परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया। जो यीशु का नाम लेता है, हालेलुया, वो कभी भी निराश नहीं होता, लज्जित नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर रहती है, हालेलुया। इस दुनिया में तो मेरे लिए, मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, ये दुनिया की सारी सांसारिक बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, हालेलुया। वो सारा संसार और वो सारे जग और दुनिया की बातें, इसका मैं द्वेष करता हूँ। हालेलुया, मेरे लिए अगर कोई एक अच्छी चीज अगर अच्छी लगती है तो वो यीशु मसीह। हालेलुया, गाना बड़ा अच्छा कहता है, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा, तेरे बगैर और तेरे बगैर। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने इस दुनिया की सारी आशीषें देखी और बाद में अंत में मरते वक्त वो कहता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। मनुष्य का काम तो सिर्फ एक ही है कि परमेश्वर का भय मान। हालेलुया, जो कर्तव्य ही है परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, परमेश्वर को प्रेम कर। तो आइए हम उस गीत को गाएंगे, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर। थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम ऑफ गॉड। Should I?
तेरी पवित्र आत्मा यीशु तेरी प्रशंसा पवित्र आत्मा धन्यवाद ओ रबा शंगा लबा यीशु तू हमारी चाहत है ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तू हमारी चाहत है ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तू हमारी चाहत Praise the Lord. और कोई चाहत नहीं और ऐसे जिसकी हम इतनी अच्छी चाहत रखते हैं उस यीशु मसीह के बारे में हालेलुया अगर हम उसे इतना प्यार करते हैं तो हम उसको देंगे भी हालेलुया परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना डैश 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 दे दिया क्या दे दिया अपना पुत्र दे दिया जहां प्रेम है वहां पे देना है और यहाँ पे ये समय है कि हम प्रभु के लिए दे हालेलुया और जो है स्क्रीन पर जो है बैंक का नंबर डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ रहे होंगे आप जरूर प्रभु की सेवकाई के लिए दे दीजिए और जब आप देंगे हालेलुया जब कैलवरी मिनिस्ट्रीज में आप बोएंगे तो आपको उसका जरूर जो है बहुत अच्छी तरह जो है आप कटनी काटेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा तो आइए हम पूरे खुले दिल के साथ हालेलुया प्रभु को देंगे हमारा प्रभु परमेश्वर कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा हालेलुया अब तो और बुरे दिन आने वाले हैं लेकिन हम प्रभु को अपना दशमांश अपनी उठाने वाली भेंटें और जहां पर भी हालेलुया जो जो व्यक्ति मुझे देख रहे हैं जितने सारे दर्शक हैं अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है हालेलुया अगर आपको आशीष मिल रही है इन वचनों के द्वारा और इन आराधना के द्वारा तो आप जरूर परमेश्वर की सेवा करेंगे आज जरूर परमेश्वर की आराधना करेंगे हमारा प्रभु महान है हमारा प्रभु सच्चा है और वो जिंदा है हालेलुया वो किसी का कर्जदार नहीं है प्रियो वो किसी का कर्जदार नहीं है जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए देंगे तो प्रभु आशीष करेगा हम हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं चाहे आप दे रहे हो या ना दे रहे हो और जो दे रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनके जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आए हालेलुया एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आप देखेंगे जब आप बड़े त्यागपूर्ण रीति से प्रभु की सेवकाई के लिए देंगे इस वक्त सिस्टर जॉली है और वो हालेलुया ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेगी और उसके बाद में बहुत सुंदर गीत गा रहे हम उपकार की भेंटे प्रभु को चढ़ाना है प्रभु को चढ़ाना है जो भी हमारा प्रभु का सारा जिसका उसको देना है भंडारी हम प्रभु के जग में दसवां ही लौटाना है आइए हम प्रार्थना करें सिस्टर जॉली आइए अपनी आंखों को बंद करें अपने सरों को हम झुकाएं परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख चलें हे जीवित परमेश्वर पिता आज हम धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम से आपके अति पवित्र स्थान में हम दाखिल होते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया कैलवरी चर्च और संपूर्ण विश्व में प्रभु हमारे दर्शक जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु आज उन सबके जीवन में तेरी आशीष आने पाए परमेश्वर पिता तूने हमसे कहा प्रभु जी कि हालेलुया हम तुझसे प्रेम करें अपनी सारी बुद्धि से अपनी सारी शक्ति से ओ प्रभु जी अपने सारे हृदय से हम तुझसे प्रेम करें परमेश्वर पिता और आज होने दे प्रभु अपने तन मन धन से हम तुझे प्रेम कर सकें हमारा धन यीशु मसीह की सेवा करेगा हालेलुया वी विल हैव मनी विद द मिशन प्रभु जी हालेलुया और हम परमेश्वर पिता किंगडम फाइनेंशियल्स बनेंगे प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं एक मन होके हमारी कैलवरी मिनिस्ट्रीज के जितने किंगडम फाइनेंशियल्स हैं उन सबको बहुत आशीष दीजिए प्रभु जी एक एक जीवन में प्रभु तेरी आप आत्मा मन लाने पाए जोरों से प्रभु जी उनकी सारी प्रार्थनाओं विनतियों को दुसन उत्तल दे प्रभु जी हालेलुया एक एक भाई बहन को तेरे लहू में ढांपते हैं जैसे वो प्रभु जी बड़े प्रभु त्यागपूर्ण रीति से अपने हाथों को बढ़ाते हैं तेरे लिए प्रभु अपना दान देते हैं प्रभु जी और अपने दशवांश तेरे लिए निकालते हैं प्रभु जी ओ जीवित यीशु तू उनके त्याग को देखना और बहुत अभिषेक से भरना प्रभु जी उनके सारे रुके हुए काम यीशु के नाम से बन जाए सारी बीमारियां यीशु नाम से जाती रहे सारे रुकावटें यीशु नाम से दूर हो जाए सारे दुष्टात्मा का आतंक यीशु के नाम से दूर हो जाए हालेलुया हालेलुया आज हम आशीष भेजते हैं आज हम प्रभु सफलता भेजते हैं उन्नति भेजते हैं हालेलुया यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से और इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते सुन दया से कबूल कर पिता आमेन आमेन आमेन
हालेलुया। तो आइए हम गीत गाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। बड़े चमत्कार आपके साथ होंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर कार्य करेगा और आप जरूर मुझे गवाही भेजिए कि परमेश्वर ने देने के बाद में क्या चमत्कार आपके जीवन में किया। हालेलुया। जैसे बहुतों को चंगाई की गवाही मिली है, बहुतों के जीवन के घर के झगड़े बंद हो गए हैं, इस कार्यक्रम को देखते हुए बहुतों के घर में आजादी और छुटकारा आया है, तो उसी प्रकार देने के द्वारा भी प्रभु चमत्कार करेगा। जैसे सारी बातों के लिए प्रार्थना सुनता है तो हम हालेलुया ओ आर्थिक से मजबूत होने के लिए जब हम प्रभु को देते हैं हालेलुया तो प्रभु बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है। जरूर मुझे अपनी गवाही भेजिए और प्रभु आपको आशीषित करें। ये पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते पिता।
हे सेनाओं के यहोवा तू भला परमेश्वर है। आज जैसे रविवार को प्रभु परमेश्वर पिता हम आराधना करने के लिए यहाँ पे आए हैं प्रभु जी, और प्रभु तेरे दास दासियों ने आराधना किए पिता परमेश्वर, आज प्रभु तेरी पवित्र आत्मा प्रभु उनके घरों में प्रवेश करे और उनके घर की सारी शैतानी शक्तियां यीशु के नाम से दूर भाग जाए, वो चिखते और चिंगाड़ते भी परमेश्वर दुष्ट आत्मा भाग जाए और प्रभु उनके घरों में तेरी आशीष आए पिता परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर पिता तकलीफ में है, जो दर्द में है, आज यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उनकी बीमारी दूर हो, इसी वक्त उनका दर्द दूर हो, इसी वक्त उनको आजादी मिले ताकि वो जाने कि यीशु मसीह जिंदा खुदावंद है, वो मुर्दा नहीं है लेकिन जिंदा खुदावंद है। हे प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराने दे। आज का दिन प्रभु परमेश्वर हम पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं पिता प्रभु जी, आज के दिन प्रभु तू ही प्रभु प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाता पिता परमेश्वर। ओ तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे भाई बहनों के लिए मारा गया, जितने सारे कैलवरी चर्च के सदस्य उनके लिए मारा गया, जितने सारे दर्शक है प्रभु जो देख रहे प्रभु परमेश्वर उन सबके लिए मारा गया मेरा यीशु मसीह और मुर्दों में से फिर से जी उठा। हालेलुया, मोर देन कॉन्करर, हालेलुया। आज वह उसने हमें जयवन से भी बढ़कर बनाया है, हालेलुया। वह हमें जयवन से भी बढ़कर बनाने वाला परमेश्वर है, जय के उत्सव में ले चलने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु हर एक जन को जय के उत्सव में ले चल, हर तेरी महिमा हो प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक जन अपने घर में प्रभु तेरी आराधना करते रहे और प्रभु परमेश्वर तेरे भवन में भी आए पिता परमेश्वर, हर एक जन को तेरे भवन में आने के लिए सहायता कर, उनके बंधनों को मैं तोड़ देता हूं प्रभु जी। तू ही ला सकता है पिता परमेश्वर और कोई नहीं प्रभु जी, तू ही ला सकता है, उनके लिए रास्ते खोल पिता परमेश्वर ताकि वो तेरे भवन में जा सके और तेरी आराधना कर सके राजा। हे प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हो राजा, ओ तेरे स्तुति और तेरी प्रशंसा और तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। सारा विरोध दूर कर दे, सारी शैतानी शक्तियां लज्जित कर दे प्रभु जी। ओ जो हालेलुया शैतानी ताकत है, दुष्ट आत्मा के बंधन जो प्रभु परमेश्वर लोगों के विरोध में, आज हालेलुया हर एक दर्शक हर एक सदस्य जो जो देख रहा है प्रभु जी, आज उनको मैं यीशु के नाम से आजाद कर रहा हूं। हालेलुया, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर डिलीवरेंस राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई सेड हालेलुया। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतराना दे प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर जैसे तेरा वचन वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो वचन उनके लिए ब्लेसिंग ठहरे प्रभु जी, वो वचन प्रभु परमेश्वर उसके द्वारा उनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। ओ वचन के द्वारा बंधन टूट जाते हैं प्रभु जी, वचन सुनने के द्वारा ही बंधन टूट जाते हैं प्रभु जी। मरियम ने जो भाग चुन लिया था, हालेलुया, जो उसे छीना नहीं गया प्रभु जी, आज इन भाई बहनों ने जो भाग चुना है इधर, हालेलुया वचन को सुनने का भाग, हालेलुया मार्ता का भाग नहीं चुना है लेकिन मरियम का भाग चुना है, और इसलिए प्रभु परमेश्वर जो भाग उन्होंने चुना है सबसे उत्तम भाग चुना है जो उनसे छीना ना जाएगा। आशीष दे प्रभु परमेश्वर पिता, संपूर्ण प्रभु परमेश्वर पिता वचन को प्रभु अपने दिल में लेने के लिए सहायता कर। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। और सिस्टर जॉली हमारे बीच में है और वो प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। आज का वचन बहुत आशीषित है कि आज का वचन ये है प्रियो कि यीशु के बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है, यीशु के बिना हम है ही नहीं। और बहुत सुंदर वचन, आज आप आशीषित होंगे वचन से, तो कृपया हालेलुया आज के बाइबल अध्ययन को हालेलुया सुनेंगे सिस्टर जॉली। आइए अपनी बाइबल्स खोलेंगे, इब्रानियों 9 अध्याय 19 से 22 तक मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। परमेश्वर के वचन पर आशीष। बहुत सुंदर वचन, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए हम फिर अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के पास जाए लेके और प्रभु का वचन सुने। अपने बाइबल को लेके बैठिए और प्रभु आज आपको आशीषित करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, और प्रभु की आशीष आपके घर तक पहुंचे। आप जहां पर भी है, परमेश्वर आज आपके साथ बातचीत करे, आपसे बोले, और आज आप परमेश्वर के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीषित हो। आज का जो मेरा संदेश है वो ये है कि परमेश्वर की ऐसी शर्तें जो मानना हमारे लिए अति अनिवार्य है। परमेश्वर के बिना, या कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आज कौन सी ऐसी चीज़ों के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है उसके बारे में हम देखेंगे, और आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे। क्योंकि जो कुछ तर्क वितर्क या जो कुछ बातें या वचन जो बताए जाएंगे वो मैं अपने मन की इच्छा से नहीं बोलूँगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है उसके बारे में बताऊँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। और जो है कौन सी ऐसी बातें हैं कि उसके कारण हमारा जीवन व्यर्थ है। एक बहुत बड़ा राजा होके गया और उसका नाम सुलेमान, और सुलेमान के बारे में बताया जाता है कि उसके पास इतना धन संपत्ति था, उसने परमेश्वर को खुश किया परमेश्वर के साथ, और उसके पापा ने भी परमेश्वर को खुश किया। इसलिए दाऊद राजा जो थे उन्होंने अच्छा जीवन व्यतीत किया, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन व्यतीत किया, और उसके कारण उसके संतान के ऊपर परमेश्वर की इतनी ज़्यादा आशीष आई। हालेलुया, बहुत ज़्यादा आशीष आई, और सुलेमान के ऊपर परमेश्वर की आशीष आई। बाइबल में लिखा है कि सुलेमान के परमेश्वर ने इतना धन दिया, इतना सोना चांदी और इतना धन दिया कि उसके पहले किसी राजा को इतना धन नहीं मिला था, और बाद में भी उसके जो है किसी को इतना धन नहीं मिला, उसके समय में उसको परमेश्वर ने इतना धन दिया। तो आज हम देखेंगे, और वो व्यक्ति जो सुलेमान थे, राजा सुलेमान, वो अपने जीवन में हर प्रकार के आनंद उन्होंने लिया, हर प्रकार की खुशियाँ उन्होंने ले ली, और फिर बाद में मरने के पहले वो ये कहते हैं कि व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ। उनके पास बहुत पैसा था, उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, उनको सारे जो है कोई भी उनका विरोधी नहीं था, और जो है उनके उनकी शान शौकत के बारे में बताया जाए तो क्या शान शौकत थी उनकी, और जो है सब कुछ उनके पास था, लेकिन वो मरने के पहले वो ये कहते हैं कि व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ। जो कुछ मनुष्य इस धरती पर करता है उसका क्या लाभ मिलता है। एक पीढ़ी आती है और दूसरी पीढ़ी जाती है, और ये सारी चीज़ों का आनंद लेने के बावजूद उसके पास जो है 700 और 300 मतलब 1000 ऐसी उसकी पत्नियां थी। जो है पोस्ट के पीछे लोग भागते हैं वो सबसे बड़ा महाराजा था, ज्ञान के पीछे लोग भागते हैं वो बाइबल में लिखा है सबसे बड़ा ज्ञानी लोग व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको बहुत ज्ञान दिया था, और सारी आशीषें होने के बावजूद वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में ये कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ। तो प्रियो, आज मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी को जो है ऐसा कहे कि मरने के पहले आप कहे बेकार, मेरी जिंदगी बेकार चली गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि, तो इसलिए आज हमें परमेश्वर ने कुछ ऐसे रास्ते बताए हैं, परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन बातों को पालन करना अनिवार्य है, और जब हम पालन करेंगे परमेश्वर हमको बहुत आशीषित करेगा। तो आइए हम पहली बात देखेंगे कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आवश्यक बात हमारे लिए कौन सी है। हालेलुया। और जो है एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास हालेलुया जो है लोग आए कि और कहने लगे टैक्स देना उचित है कि नहीं उचित है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास कौन सा सिक्का है वो मेरे पास ले आओ। और यीशु मसीह के पास इसने उस सिक्का को देखा, यहाँ पे लिखा किसकी मूरत और किसकी सूरत इस सिक्के पे है। उसने कहा ये कैसर की है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। तुम्हारे मुंह पर किसका सिक्का है, तुम्हारे मुंह पर कौन जो है दिखाई दे रहा है, तुम्हें बनाने वाला कौन है। वो सिक्का बनाने वाला तो कैसर है, लेकिन तुम्हें बनाने वाला कौन है। मेरा बनाने वाला तो परमेश्वर है। जो सिक्का जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। तो सबसे बड़ी अनिवार्य चीज जो हमारे जीवन में होनी चाहिए वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर पिता ने जो है प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि वो दुनिया का उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में रहे।
हालेलुया, हम यीशु के बिना व्यर्थ है, हम यीशु के बिना व्यर्थ हैं। हालेलुया, जैसे सबु उपदेशक कहता कि व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। और वो कहता है कि अंतिम बात तो मैंने बस एक ही बात देखी भैया, और वो कहता है पुराने नियम में सब उपदेशक उसका 12 अध्याय का 13 वचन, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो आज प्रभु परमेश्वर का वचन हमसे ये बातचीत करता है कि हमें, हालेलुया, उस सुलेमान के पास एक और प्रकाशन नहीं था जो हमारे पास आ गया है, और वो प्रकाशन मतलब प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है, और कितनी खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारी और है। हालेलुया, और यीशु के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है प्रियो। और इसलिए हालेलुया, अगर आज आपका जीवन यीशु के बिना है तो आपका जीवन व्यर्थ है। कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर आप निकालें यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह के मुँह से निकले वचन है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाहता है, और वो ये कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज प्रभु परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करें। अगर जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो बहुत जल्दी यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिएगा। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है, वो सबका बनाने वाला परमेश्वर है। पृथ्वी जब बनाई गई, सारी सृष्टि बनाई गई, तो वहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा था, वहाँ यीशु मसीह था। और जब पाप जो है दुनिया में आ गया, पाप मनुष्य के जीवन में आया, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा कि जा और उन पापियों को बचा ले। और यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए हमारे लिए इस दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना हमारे लिए ये अनिवार्य है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करना है तो करो, नहीं करना तो करो, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना तो हमारे लिए अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कौन सी सारी आशीषें दी है? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ा चमत्कार हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो पापों की क्षमा, पापों की क्षमा करके हमें अपने घर में उसने ले लिया है। तो जिस प्रकार एक पेड़ होता है, और पेड़ में जब डाली होती है तो आप और मैं वो डाली है, और जो है बाइबल में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। ये दाखलता यीशु मसीह है और पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु के बिना कुछ कर नहीं पाते हैं। और इसलिए आज मैं आपको यीशु से, हालेलुया, मुलाकात कराना चाहता हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात यीशु से कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं, आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप आपके अंदर आएगा। हालेलुया, कितनी खुशी की बात है। तो प्रियो, आज आपको प्रभु यीशु मसीह अपनाना चाहता है। हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ।
पहली बात प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आज आप परमेश्वर के बच्चे हो। यीशु मसीह जो है, हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते, और हमें मिलाने वाला हमारा वसीला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमको परमेश्वर के घराने में जो है वो इकट्ठा किया है, जमा लिया है, हमारे परिवार के लोग हम बन गए हैं। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के कारण हम परमेश्वर के पुत्र बन गए। अब हम देखेंगे, अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन से निकाल देंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। निराशा, डिप्रेशन, आत्महत्या, चोरी, घात और नाश। यीशु मसीह को छोड़ेंगे तो सब शैतान का काम हमारे जीवन में आएगा। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर है और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। पहली बात हमने देखी थी कि उसने हमें अपना पुत्र बनाया। फिर हम मैं आपको बताता जाऊंगा, बहुत सारी आशीषें है, इतनी आशीषें प्रभु ने आपको दी है यीशु को ग्रहण करने के कारण। बाइबल में लिखा है कि मैंने तुमसे ये बातें कही है, हालेलुया यूहन्ना 15, मैंने तुमसे ये बातें कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रीति नाम की एक सिस्टर हमारे चर्च में आती थी, उसने कहा तीन साल से मैंने अभी तक जो है मेरे मुंह पे हंसी नहीं आई है। तीन साल से मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मैं जो है बहुत परेशानी में हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पति ने मेरे बच्चों को ले गया है, मुझे घर से निकाल दिया गया है, वो कहीं और जाके किसी और के साथ रह रहा है और मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बेचैन हूँ, मेरे बच्चे मुझसे छीने गए हैं, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे जीवन की सारी खुशियाँ चली गई है, मुझे बार बार लगता है कि मैं आत्महत्या करूँ। और बहुत बार उसने आत्महत्या के जो है प्रयास भी किए थे। लेकिन जब वो कैलवरी चर्च में आई, प्रीति जब वो कैलवरी चर्च में आई और उस समय उसने ये सारी बातें मुझे बताई, मैंने कहा कि आप हंसना शुरू करोगी, उसने कहा नहीं कभी नहीं, मैं डिप्रेशन में गई हूँ और जो है जो मैंने खोया है पास्टर आपको मैं क्या बताऊँ, मैंने बहुत कुछ खोया है। उसके बाद में मैंने उनके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में उसको एकदम ऐसा झटका लग गया और प्रभु परमेश्वर ने उसको स्पर्श किया। उसने कहा कुछ हुआ मेरे साथ, आपने जब प्रार्थना की है, मैंने जब यीशु को अपने पापों से माफ़ी मांगी, मेरे साथ कुछ हुआ है। और बाइबल भी लिखा है कि हालेलुया कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु की दया से हालेलुया परमेश्वर ने उसको फिर से हंसने का मौका दिया। उसने चर्च में गवाही दी कि अब मैं फिर से हंस सकती हूँ, हालेलुया, और जो है मैं आनंदित हो सकती हूँ। और उसके बाद में परमेश्वर ने उसकी शादी भी होने दी और उसका घर बसाया और आज वो बहुत खुश है, बहुत आनंदित है। भाई प्रियो, जब यीशु मसीह को ग्रहण करोगे आप जो है इस बात को अनुभव लेके देखिए। मैं देखो, ये मेरी बातें हैं जो हकीकत में हुई हैं और बाइबल में लिखा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब यीशु को ग्रहण करोगे तो आपको वो अपना बच्चा बनाएगा, आपको हालेलुया परमेश्वर का राजकुमार आप बनोगे, राजकुमार राजकुमारी, हालेलुया, और उसको आपको आनंद देगा। बाइबल में लिखा है कि फिर जब आप प्रभु यीशु मसीह को एक साथ अपना संबंध बनाओगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आपका संबंध बनेगा, आप यीशु मसीह के चेले बनोगे, तो बाइबल में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है, सब प्रकार की आशीषें दी है। वाव, हालेलुया, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अगर यीशु मसीह के पास आओगे तो आपको हालेलुया स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषें मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए घर बना रहा है, वहाँ पे आपके लिए प्लॉट लिया गया है। प्रभु कहता है कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, वहाँ पे वो आपके लिए घर बना रहा है, जगह तैयार कर रहा है आपको रहने के लिए। और जो बाइबल में ऐसी बात लिखी है, स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीष देने का वायदा प्रभु करता है। फिर बाइबल में लिखा है कि हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो।
तो आज आपका डिप्रेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। आपको परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया, बहुत सारी आशीषें दी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने आपको क्या दिया? बाइबल में लिखा है कि जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यीशु मसीह के साथ उसका उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। वाव। और क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है प्रियो, हालेलुया, अनुभव लेके देखिए, देखिए कि परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का आशीष उसके जीवन में आती है, उद्धार उसको मिलता है। यशायाह 43 के हालेलुया चौथे वचन में लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आप जब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरते हैं। दुनिया की दृष्टि में लोग आपको कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप जो है उस परमेश्वर के पिता की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरते हैं। और इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं अल्लाह तेरी संति मनुष्यों को तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दूंगा। प्रभु का प्रेम फिर बढ़ जाता है जब आप यीशु मसीह के जीवन को अपने यीशु को अपने जीवन में लेते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, अगर प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में लेते हो तो बाइबल में लिखा है कि हम कौन है? यदि हम संतान है तो वारिस भी है, और परमेश्वर के वारिस है और मसीह के संगी वारिस है। जबकि हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। अगर हम परमेश्वर के साथ दुख उठाए हैं, हालेलुया, तो हम जो है उसके साथ महिमा भी पाए। हम वारिस है, किसके संग वारिस है? जैसे एक परिवार में हालेलुया अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो वह 4 बच्चे उस वारिस के हकदार बनते हैं। माता पिता का जो कुछ है वो उसके हकदार बनते हैं। उसी प्रकार और जो है वो चारों भाइयों को हिस्सा मिलता है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए निंदा सहन करते हो, तकलीफ सहन करते हो, प्रभु के भवन में आते हो, वहाँ पे आराधना करते हो, परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी देते हो, तो बाइबल में लिखा है कि हम मसीह के संगी वारिस हैं। मतलब जिस प्रकार उन 4 भाई बहनों को वो हिस्सा मिलेगा, उसी प्रकार जब हमें हिस्सा मिलेगा परमेश्वर की ओर से, उसमें मसीह भी रहेगा, मसीह के संगी वारिस है। कितनी बड़ी आशीष प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत प्यार करता है, परमेश्वर पिता हमको बहुत प्यार करता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के हालेलुया बिना हमारा कुछ वजूद है नहीं। हम तो बेकारी लोग हो गए। यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन में कुछ नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह ने हमारे लिए हालेलुया अपना लहू बहाया। दूसरी बात, यीशु मसीह ने हमारा लहू बहाया। यीशु के बिना हम व्यर्थ हैं, फिर बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। बाइबल में लिखा है कि इब्रानियों 9:22 और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। हालेलुया, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती बाइबल में लिखा है। और जो है हमारी ये कलीसिया, कलवरी कलीसिया और जितनी सारी कलीसियाएँ, सार्वभौम कलीसिया जो सारे वर्ल्ड में, सारे सृष्टि में पाई जाती है, वो प्रभु की एक ही कलीसिया जो सार्वभौम कलीसिया जिसको हम कहते हैं। और प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय में लिखा है, इसलिए अपने पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करने के लिए बताया जाता है जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को कैसे मोल लिया है? अपने लहू से। हालेलुया, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें अपने सारे पापों से धोता है। बाइबल में लिखा है कुलुसियों उसके 1:20 और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करें। हमारा दुश्मन था परमेश्वर, हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, लेकिन यीशु मसीह ने अपना जब लहू बहाया
तब जो है हमारे पापों की क्षमा हुई। यीशु बाइबल में लिखा है लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं। लेकिन पुराने जमाने में जब यीशु मसीह नहीं था तो जो है यीशु मसीह एक आने वाला है इस दृष्टि से वो लोग क्या करते थे, बकरे और बछड़ों का लहू बहाया करते थे, ये सोच के कि एक मेमना प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो हमारे पापों की क्षमा करेगा। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 9 अध्याय के 12 वचन, और बकरों और बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और यीशु ने अनंत छुटकारा हमारे लिए प्राप्त किया, क्योंकि बकरों और बैलों का लहू कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र की जाती है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्योंकि ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो पहली बात, यीशु के बिना हम जी नहीं सकते, यीशु के बिना एक मसीह जी नहीं सकता, यीशु के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। दूसरी बात, यीशु का लहू, यीशु का लहू, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। आज जो है मेरा संदेश जो है वो है बिना, बिना इसके। हालेलुया, कौन सी ऐसी बात है कि उसके बिना आपका जीवन व्यर्थ है। हालेलुया, यीशु के लहू के बिना आपका जीवन और मेरा जीवन व्यर्थ है, यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया, फिर जो है प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम, हालेलुया, प्रभु यीशु से, परमेश्वर पिता चाहता है कि हम प्रभु यीशु से प्रेम करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। परमेश्वर पिता जिसने उद्धार दिया है, जीवन दिया है, उसके विरोध में लोग बहुत सारे जाते हैं और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। एक बार दाऊद राजा का एक बेटा था अबशालोम, और उसने बहुत सारे षड्यंत्र रचे अपने पिताजी के विरोध में, और पिताजी के विरोध में षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति, पिताजी के विरोध में षड्यंत्र रखने वाला व्यक्ति, और खास करके वो पिता, ऐसा पिता कि जो परमेश्वर उससे संतुष्ट है, परमेश्वर उससे खुश है, ऐसे के ऐसे बाप के विरोध में जब जो है ये बेटा अबशालोम आ गया और अबशालोम ने उसके विरोध में उसका राज्य छीनने की कोशिश की, और तब क्या हुआ, उस अबशालोम का अंत क्या हुआ। अबशालोम जो है इतना सुंदर था कि संपूर्ण इज़राइल में उसके जैसा कोई सुंदर नहीं था, और जो है बाइबल में लिखा कि सब कुछ सुंदर था उसका, बहुत सुंदर था। भाई बाप सुंदर तो जो है बेटा भी सुंदर, लेकिन इस बेटे को जो है एक गलत आदत लग गई, उसने अपने बाप के विरोध में जाने की इच्छा रखी। आज भी बहुत सारे लोग यीशु के विरोध में जा रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग अपने खुदा बाप के विरोध में जा रहे हैं, लेकिन वो जो है परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, वो ठीक नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो अबशालोम जब जा रहा था और वो उसने में क्या हो गया कि जो है उसके बाल इतने लंबे लंबे थे, बहुत लंबे लंबे बाल थे, वो सारे बाल जो है ऊपर झाड़ी में फंस गए, और नीचे से जो है जो भी उसका घोड़ा था वो भाग गया और वो निकल गया, और वो जो है उसी बाल के ऊपर लटकता रहा, लटकता रहा, लटकता रहा, और वो मर गया। उसकी मौत हो गई, उसको आके मार दिया गया और वो मर गया। जब बाप के विरोध में कोई जाता है तो ऐसी हालत होगी, इसलिए अपने पिताजी का बड़ा ध्यान दीजिए, अपने पिताजी की इज्जत करें, अपने पिताजी का ध्यान दीजिए जो शारीरिक पिता है, और उससे ज़्यादा अपने स्वर्गीय पिता की इज्जत करें। उसके विरोध में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, तो अभी जो है पहली बात मैंने देखी, यीशु के बिना हम व्यर्थ हैं, और यीशु का लहू, बाइबल में लिखा बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, इसलिए यीशु के लहू के बिना भी हमारा जीवन व्यर्थ है, और यीशु का लहू बहाया गया इसलिए हमें हमारे पापों की क्षमा होती है। तीसरी बात हम देखेंगे आज, हालेलुया, बड़ा सुंदर वचन कि हालेलुया, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। बाप रे, बहुत ज़बरदस्त रीति से ये वचन है ये, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कुछ नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है और वो बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। हाँ, बाइबल में लिखा है कि प्रेम होना चाहिए, सेवा नहीं। बाइबल क्या बताती है प्रेम के बारे में, जो है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके पहले वचन से, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं
और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं और प्रेम परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनुरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएँ हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है प्रेम, हालेलुया, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के नए बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की समझती, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। वाओ, इतना सुंदर वचन, हालेलुया। मैं चाहे कितना भी कुछ करूं लेकिन अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आज मैं चाहे कितना भी बड़ा पास्टर बन जाऊं और मैं दिल्ली न्यू दिल्ली सेक्शन का प्रेसबिटर हूं मैं, और चाहे कितना भी बड़ा प्रेसबिटर बनूं मैं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। बाइबल में लिखा है कि कितना जबरदस्त वचन, ये बहुत पावरफुल वचन है प्रियो। यदि मैं भविष्यवाणी भी कर सकूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, चाहे सुलेमान जैसा भी ज्ञान मिल जाए, मैं इतनी ताकत मुझ में आ जाए प्रार्थना करके कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं। लिखा है कि जो है मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, और जो है और मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, लेकिन अगर मैं प्रेम नहीं रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बाप रे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं प्रियो, कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कुछ भी नहीं हो। हाँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं। आप चाहे कितने भी बड़े पास्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रेसबिटर हो, जैसे आज मैं बहुत बड़ा प्रेसबिटर, अगर मैं कितना भी बड़ा प्रेसबिटर बन जाऊं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति लोगों को खिलाने के लिए दे दूं, मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं और कुछ भी लाभ नहीं। दो बाइबल दो बातें बताती है, मैं कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी लाभ नहीं, मैं कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आजकल जो है हमारे जो है यही तो प्रॉब्लम है। आजकल हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है। बहुत सारे लोग जो है मदद करते हैं और ऐसे भावना से मदद करते हैं, ए तूने मुझे कैसा कर दिया था ना, लेकिन फिर भी मैं तुझे मदद कर रहा हूँ ले, और उनके मन में प्रेम नहीं है। अगर आप प्रेम नहीं रखते तो आप कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी लाभ नहीं। हमारे चर्च में, कैलवरी चर्च में, बिहार से कुछ भाई लोग हैं, बिहार का ग्रुप है और यूपी का ग्रुप है, यूपी का ग्रुप और बिहार का ग्रुप, और भी बहुत सारे ग्रुप है। तो ये बिहार के भाई लोग और भाई जो है वो पसंद करते हैं कि बिहारी लोगों के साथ ही रहना, बिहारी लोगों के साथ ही बातचीत करना। यूपी के भाई लोग जो है वो चाहते हैं यूपी के लोगों के साथ बातचीत करना और यूपी के लोगों के साथ रहना। अच्छी बात है, जो है मेरे गाँव का है भाई, है मेरे गाँव का बंदा ही है, तो थोड़ा सा एक अपनापन लगता है।
और बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस बात को कभी भी आक्षेप नहीं लेता या उनके विरोध में नहीं जाता कि तुम बिहारी लोग बिहारी के साथ क्यों रहते हो और यूपी के लोग यूपी के साथ क्यों रहते हो, ऐसा मैं कभी भी बोलता नहीं। जब तक वो एक साथ रहते हैं, खाते पीते सब कुछ एक साथ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जो है प्रभु का धन्यवाद उसके लिए, हालेलुया, ठीक है। लेकिन जब वो यूपी वाले भाई लोग अगर बिहार के भाई लोगों के विरोध में रहना शुरू करेंगे, गुटबाजी बनाना शुरू करेंगे, यूपी के लोग कहेंगे हम जो है सुपीरियर है और बिहार के लोग कहेंगे अगर हम सुपीरियर है, हालेलुया, और वो विरोध के करना शुरू कर देंगे, तो सबसे पहली बात ये होगा कि परमेश्वर उनका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा, क्योंकि उन्होंने चर्च में पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया। सेवकाई में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। बाइबल में जो है वो ये नहीं चाहता प्रभु कि हम पॉलिटिक्स खेले। हाँ, ये पॉलिटिक्स खेलना जो है परमेश्वर के लोगों को अच्छा नहीं है। बाइबल बहुत सुंदर तरीके से बताती है कलीसिया का अर्थ क्या है। बहुत सारे लोगों को कलीसिया का अर्थ नहीं पता। बाइबल में लिखा है कलीसियों में, इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। हाँ, और बाइबल में लिखा है कि तुम, हालेलुया, और तुम भी इन बुराइयों में जीवन बिताते थे और इन्हीं के अनुसार चलते थे। अब तुम पर भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनता जाता है। अभी बहुत पावरफुल वचन है जो मैं चाहता हूं कि आप हर एक जन सुने इस वचन को। वहां पे लिखा है कि उसमें अब ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल मसीह। अब ना कोई यूपी वाला रहा, ना कोई बिहार वाला रहा, ना कोई महाराष्ट्र वाला रहा। अभी हमारे अंदर परमेश्वर ने एक ऐसी भावना उत्पन्न करी है कि हम सब बिहारी, यूपी और महाराष्ट्र और जितने भी सारे लोग हमारे कैलवरी चर्च के लोग हैं, हम सब एकता में आते हैं, हम सब लोग एकता के साथ रहते हैं, एकता के साथ काम करते हैं। और अगर कोई बुराई करे तो परमेश्वर जो है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा। चर्च के मेंबरशिप के किताब में आपका नाम जरूर रहेगा, लेकिन परमेश्वर जो है आपका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग गुटबाजी करें। आजकल ज्यादातर लोगों के जीवन में कोई परमेश्वर का भय नहीं रहा, सब गुटबाजी करते हैं। ये मेरे गुट का है, वो उसके गुट का है, ये मुझको मेरे साथ साथ देगा, वो उसका साथ देगा। जहाँ पे गुटबाजी आती है वहाँ पे परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की आशीष चली जाती है। और जब ये गुटबाजी होती है जहाँ पे पॉलिटिक्स होता है, उस गुट वाला ये कहता है उसके बारे में, उस गुट वाला कहता है इसके बारे में, यहाँ पे तो प्रभु यीशु मसीह कुछ रहा ही नहीं। अभी तो सारा पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स चलता शुरू होता है। ये ग्रुप उसको दबा रहा है, ये ग्रुप उसको दबा रहा है। यूपी वाले जो है महाराष्ट्र को दबा रहे हैं, महाराष्ट्र वाले बिहारी को दबा रहे हैं। अरे ये कब तक दबाओगे? ये तो प्रभु ने साफ साफ बताया है आपको, ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना रहित, ना खतना खतने वाला, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह और सब कुछ और सब में है। पक्षपात करना छोड़ दीजिए। पक्षपात करना ये शैतान का काम है। शैतान का काम मतलब पक्षपात करना और फूट डालना। हाँ, बाइबल में बहुत सुंदर रीति से लिखा है कि यदि किसी को कुछ दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। इस गुट के लोगों ने उस गुट के लोगों के लिए कुछ कह दिया है तो सह लो भैया। तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है? यीशु की आत्मा है क्या? क्या अभी तक जो है पुराना मनुष्य तो उतारा नहीं है क्या आपने? सह लो उसकी, बाइबल में लिखा है। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी क्षमा करो।
नहीं तो सारी संपत्ति तुम कंगालों को दोगे और प्रेम नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं। बाइबल बताती है ना, दो बातें बताती है, कुछ भी नहीं और कुछ भी लाभ नहीं। मेरे पीछे बोलो, कुछ भी नहीं और कुछ भी लाभ नहीं। तो गुटबाजी बंद करो। हमारा सेल ग्रुप ऐसा, हमारा सेल ग्रुप ऐसा, हमारे सेल ग्रुप में ऐसे होता है, वो होता है, वो गलत है, ये गलत है और वो गलत है। जिसके ऊपर दोषारोपण लगाने का काम बंद करो, प्रभु कहता है। वाओ, ये गुड़बाजी प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर के राज्य में कोई गुड़बाजी नहीं होगी। प्रभु परमेश्वर के राज्य में कोई जो है कोई विशेष लोगों के लिए विशेष दर्जा दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में सब एक समान होंगे। परमेश्वर के राज्य में सब एक समान होंगे। हमारे कैलवरी चर्च में हर जाति हर भाषा के लोग, जितने सारे भाषा के अलग अलग भाषा के हर जाति के लोग आते हैं, लेकिन चाहे किसकी जात कोई भी हो, अगर एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है तो दूसरे समय दूसरी कुर्सी पे कितना भी नीच जाति का आके बैठ सकता है। यह है कलीसिया की सुंदरता। यह है कलीसिया की सुंदरता। प्रभु किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता। ये मेरे गुट का, ये उसके गुट का, हाँ ये गुट 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 करते करते गुटखा खाना शुरू करोगे और आखिरी में जो है स्वर्ग चलाएगा। डोंट मिस योर हेवन ब्रदर। परमेश्वर के लोगों, अपना हेवन मिस मत करो इन सारे पॉलिटिक्स में। ये गुटबाजी परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, इसको परमेश्वर बहुत घृणा करता है। और परमेश्वर जो है उसको बाइबल में बहुत सुंदर रीति से लिखा है कि हालेलुया, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हमें यह नहीं कहना कि मेरे गुट के लोगों को उस गुट ने क्या कहा, उस आजकल सब यही चल रहा है। चर्च मतलब गुटबाजी, मेरा गुट यह है, उसका गुट है। चर्च में गुटबाजी नहीं चलेगी, सेवकाय में गुटबाजी नहीं चलेगी। और जो गुटबाजी करेगा वह नरक में जाएगा, जो पक्षपात करेगा वह नरक में जाएगा। एक को ज़्यादा प्रेम, दूसरे को कम प्रेम, दूसरे को तुच्छ जानना, बाइबल में लिखा है कि अगर हम हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ये सारी बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ सब बेकार है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट सब बेकार है। ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें लोग कर रहे हैं ना, अपने आप को बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं ये लोग। परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले पश्चाताप करो और गुड़बाजी बंद करो। गुड़बाजी बंद करो, बुराई करना बंद करो, पश्चाताप करो, नहीं तो परमेश्वर स्वर्ग से जीवन की किताब में से आपका नाम काट देगा और फिर बाद में जो है बहुत हालत खराब हो जाएगी। और ये परमेश्वर जो है वो कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है, पक्षपात करना छोड़ दो। अभी आप पक्षपात करना छोड़ दो, प्रभु का वचन ही है। हालेलुया, बाइबल में तो बताता है आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसिया की ओर से नमस्कार। वाओ, आपस में चुम्बन करो, आपस में फूट मत डालो, आपस में एक दूसरे का विरोध मत करो। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपनी पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, हाँ, और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो आज अगर प्रभु का वचन आपके अंदर काम कर रहा है तो अगले गुट के लोगों को प्रेम करना शुरू करो, उनके विरोध में बोलना बंद करो। कोई भी गुटबाजी हालेलुया हमारे चर्च में नहीं चलेगी, अभी तक नहीं चली और आगे भी नहीं चलेगी। हालेलुया, और जो लोग गुटबाजी करते हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से परमेश्वर ने पहले से हटा दिया है। मेंबरशिप से मैं नहीं हटाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने आपका हटा दिया नाम। पश्चाताप करो, प्रभु से माफी मांगो, गुटबाजी मत करो, परमेश्वर की अधीनता में आओ और तब परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देगा। वाओ, क्या वचन है आज। हालेलुया, बाइबल में जो है लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय का 10 वचन, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। तुम गुटबाजी ना करो, तुम एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो।
परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मन और मत, एक ही मन और एक ही मत, वन माइंड वन वोट। माई वोट इज फॉर जीसस, माई वोट इज फॉर जीसस। एक मत और एक मन बाइबल बताती है। तो जो है कितना सुंदर वचन बताते हैं, हालेलुया। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, और मेरा यह कहना कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लुस का कहता है, कोई कैफा का कहता है, और कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया था? क्या पौलुस के नाम पर बपतिस्मा तुमने लिया? बाप रे, क्या स्ट्रांग वचन है आज। आज परमित्र आत्मा हम सब से बातचीत करे। मैं किसी गुट का नहीं हूं, आप बोलिए, मैं किसी गुट का नहीं हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं करूंगा, मैं पक्षपात नहीं करूंगा। अगर उस गुट का कोई व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो उसके विरोध में बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इस गुट के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उस लोगों को आपने, उन लोगों को तुच्छ जाना है, और परमेश्वर ने भी आपको तुच्छ जाना है। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको ये बात याद रखना कि जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप जब तक पक्षपात करना छोड़ेंगे नहीं, हालेलुया, आप जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो करना है कर लो, जाओ। क्योंकि ये बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जाने कि ना कोई, ना हमारी, ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीत है। आजकल विवादों में बहुत ज़्यादा लोग भड़कते हैं। मैं यूपी वाला, और मैं बिहार वाला, और मैं महाराष्ट्र वाला। तुम लोग जो है ये विवाद क्यों करते हो? ये विवाद परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है। प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। सेल ग्रुप के लिए इकट्ठे होते हैं, किसकी बुराई होती है? सेल ग्रुप के लिए इकट्ठे होते हैं, क्या क्या बातें होती है, ये सब आपको पता है। कभी कभी भाई भाई इकट्ठे मिल जाते हैं, सब बुराई होती है। ओ परमेश्वर कहते हैं कि ना, दीवार को भी कान होते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी इकट्ठे होने से भलाई नहीं लेकिन हानि हो रही है। शैतान अपनी महिमा ले रहा है। तुमने गुटबाजी बना दी है। सेवकाई को और चर्च को तुमने क्या समझ रखा है? परमेश्वर जो है तुम्हारे ऊपर दंडे बरसाएगा, और परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हे गुटबाजियों करने वालों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। हे गुटबाजी करने वालों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। परमेश्वर तुम्हें शांत करे। परमेश्वर तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न करे। अगर मैं सब कुछ करूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी लाभ नहीं। और स्वर्ग तो जाना ही जाना नहीं। बहुत ज़्यादा कहते हैं तुरई फूकी जाएगी और जो हम ऊपर उठा लिए जाएंगे। और तुम्हारा ग्रुप उठा लिया जाएगा ऊपर? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ग्रुप उठाओ ऊपर उठा लिया जाएगा? जो गालियाँ तुमने ग्रुप में दिए हैं जो है दूसरे ग्रुप के लोगों को, ये ग्रुपबाजी करना बंद करो, पक्षपात करना बंद करो, फूट डालना बंद करो। शैतान का काम है ये, डिवाइड एंड रूल। एक दूसरे के बीच में फूट डालो और जो है राज्य करो। कलीसिया ऐसी जगह नहीं है, सेवकाई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे तुम डिवाइड एंड रूल जो है ये जो है धोरण अपनाएं। यहाँ पे एकता की आत्मा है, यहाँ पे प्रेम की आत्मा है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, और आप कितनी भी बड़ी सेवा कर रहे हैं, और कितना भी बड़े पास्टर हो, और कितना भी बड़ा प्रेसबिटर हो, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे पास्टर के लिए, दूसरे मेंबर के लिए, दूसरे गुट के लिए, तो आपका जो है कुछ भी नहीं। बाइबल तुम कुछ भी नहीं और कुछ भी लाभ नहीं। माय गॉड, प्रभु परमेश्वर के बाइबल में लिखा है आलिया कि जो है तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले से मैं सुनता हूँ कि तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ। तो प्रियो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और प्रभु की दया से हमारे कलीसिया में ऐसे बिहारी गुट, बिहारी और यूपी वाले कोई गुट ऐसे नहीं है कि जो एक दूसरे की बुराई करे। और कलीसिया में हम सब प्रेम करते हैं,
लेकिन जो करते हैं उनके लिए ये सावधानी, उनके लिए वचन है। हालेलुया। कैसे पहचाने? बाइबल में लिखा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। ये क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनको उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। बाप रे। तो सिर्फ प्रभु प्रभु करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो दूसरों को अच्छी बातें सिखाते हैं, बहुत अच्छा प्रचार भी करते हैं और बहुत अच्छी तरह लोगों को सिखाते हैं, लेकिन वो नरक में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पक्षपात किया, फूट डाली, एक दूसरे के विरोध में रहे। कलीसिया में और सेवकाई में उन्होंने सेवकाई को और कलीसिया को जो है गंभीरता के साथ नहीं लिया। उस गुट के लोगों के विरोध में, इस गुट के विरोध में बोलते रहे, किसी गुट में शामिल हो गए। खरे विश्वासी जो है वो कृपया गुट में शामिल ना हो। आप तटस्थ रहिए, आप कहिए मैं ना इस ग्रुप का हूँ ना मैं उस ग्रुप का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ बस। ना इस ग्रुप की बुराई करें ना उस ग्रुप की बुराई करें, हमें तो बस यीशु मसीह की सेवा करनी है और मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाना है। या जब प्रभु की तुरही फूकी जाएगी तो प्रभु हमको उठा के ले जाएगा। और जो बुराई नहीं करता, जो अनरीति नहीं चलता, जो गुटबाजी नहीं करता, जो पक्षपात नहीं करता, जो फूट नहीं डालता, जो फूट डाल के जब डिवाइन एंड रूल ये जो है पॉलिसी नहीं अपनाता, वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। ये वचन बड़े कड़वे हैं, लेकिन इसे ग्रहण करिए। आज आप मेरे ऊपर गुस्सा हो सकते हो जाइए गुस्सा जितना होना है। हालेलुया। पथराव भी कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गलत काम नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि आप स्वर्ग में रहें, मैं चाहता हूँ कि हम सब स्वर्ग में जाए। तो उसके लिए बाइबल में लिखा है कि तू प्रेम कर। अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु, अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु, मुझको भर दो प्रभु अगापे प्रेम से, मुझको भर दो प्रभु अगापे प्रेम से, अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु। चाहे मैं कितनी भाषाएं बोलूं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं झंझनाती झांझ हूँ। अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु। ये प्रेम क्या करता है? सारी बातों में धीरज है रखता और सब कुछ सहता है, सारी बातों में धीरज है रखता और सब कुछ सहता है, बैरी को माफ करता है, ये कलवरी का प्रेम है, बैरी को माफ करता है, ये कलवरी का प्रेम है।
अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु, प्रेम से भर दो प्रभु। ये प्रेम कैसा है, कैसा है ये प्रेम जिसकी कभी भी हार ना हुई, कैसा है ये प्रेम जिसकी कभी भी हार ना हुई। यह है अगापे प्रभु का प्रेम, हमेशा विजय पाता है। यह है अगापे प्रभु का प्रेम, हमेशा विजय पाता है। अगापे 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 प्रेम से भर दो प्रभु, प्रेम से भर दो प्रभु, हमको प्रेम से भर दो प्रभु। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा संदेश खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो लोग गुटबाजी करते हैं, जो विरोध में बोलते हैं, फूट डालते हैं, पक्षपात करते हैं, ये मेरा वो तेरा, ये मेरा और वो, किसी को तुच्छ जानते हैं, वे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। जो एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, वो जो गुटबाजी करते हैं, परमेश्वर उनको दंड देगा, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और आज अगर आप ये वचन सुन रहे हैं, अगर आज आप गुटबाजी करते हैं, चाहे वो कहीं के भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप आज प्रभु आपको माफ़ करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, करता हूँ, आप पश्चाताप करिए, पश्चाताप करिए। हालेलुया कि प्रभु मैंने जो गलत काम किया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रभु जी आज जैसे ये भाई बहन प्रभु परमेश्वर जो गुटबाजी के पाप में फंसे हैं, जो पक्षपात के पाप में फंसे हैं, फूट डालने के पाप में फंसे हैं, या जिस भी पाप में फंसे हैं प्रभु जी, जो परमेश्वर के राज्य के नियम को वो तोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर अब हम ना यहूदी रहे, ना हेलेनी रहे, ना नर ना नारी। हे प्रभु परमेश्वर पिता, इतना ज़्यादा तूने प्रभु परमेश्वर पिता कर हमें एक कर दिया है प्रभु जी, तो हम गुटबाजी कहाँ से आ गई, ये गुटबाजी कहाँ से आ गई, ये गुटबाजी शैतान से आई, एक दूसरे के विरोध में बोलना, एक दूसरे की गलतियाँ निकालना। हे प्रभु जी, और इसमें परमेश्वर का राज्य नहीं है। और ये ऐसी चीज़ें कलीसिया में और परमेश्वर की सेवकाई की जगह पे होनी नहीं चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो पश्चाताप करना चाहते हैं, उनको माफ़ कर और वो फिर से ऐसे पक्षपात ना करें प्रभु जी। जो यीशु को ग्रहण करता है वो यीशु के राज्य का सदस्य बन गया है, वो राजकुमार बन गया है, और उसके विरोध में कोई भी बात ना बोले। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर ने पापों की क्षमा की है तो तुम कौन हो सकते हैं हमारे पापों को स्मरण दिलाने वाले? परमेश्वर ही है जो न्याय करेगा। और इसलिए प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडलाने दे, उनसे बातचीत कर, वो अपना मन कठोर ना करे, जैसे इसराइल लोगों ने जंगल में अपना मन कठोर किया और वे नाश हो गए। प्रभु जी सारी गुटबाजी को मैं यीशु के नाम से दूर कर देता हूँ, सारी गुटबाजी को यीशु के नाम से मैं दूर कर देता हूँ। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कलीसिया में तेरा कोई भाग नहीं है। ओ हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से निकल जा। सारा पक्षपात, सारी फूट, सारी गलत बातें, हालेलुया, ऊंच नीचा दिखाना, सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। और तेरी कलीसिया प्रभु बिना दाग और बिना झुर्री की हो, निष्कलंक और पवित्र हो, हर एक जन पवित्र हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रियो, यह संदेश बहुत अच्छा हो रहा है। पहली बात हमने देखी थी कि यीशु के बिना तो हम व्यर्थ है, यीशु के लहू के बिना हम व्यर्थ है। फिर हमने देखा यीशु हमें, यीशु के अगापे प्रेम के बिना हम व्यर्थ है। हम चाहे कितनी भी बड़ी सेवकाई करें, चाहे हम कितने बड़े सक्सेसफुल रहे, लेकिन हमारे मन को प्रभु देखता है। अगर हमारे मन में प्रेम नहीं है तो बाइबल के अनुसार हम कुछ भी नहीं और कुछ भी लाभ नहीं। अगर मैं ऐसा पास्टर हूँ जो सच्चे दिल से दूसरों को प्रेम ना करूं, मैं अगर ये ना समझूं
कि ये दूसरा पास्टर है, मैं उसको प्रेम नहीं करूंगा, तो परमेश्वर की आत्मा दुखित हो जाती है, पवित्र आत्मा शोकित हो जाती है। जितने सारे विश्वासी हैं उन सबको प्रेम करना है, जितने सारे पास्टर हैं उनको बिना पक्षपात के प्रेम करना है, जितने चाहे हमारे असेंबली ऑफ गॉड के बाहर के भी पास्टर हैं उनको भी वही प्रेम देना है जो एक विश्वासी को दिया जाता है, क्योंकि वे भी परमेश्वर के राज्य के एक जो है वारिस है, मसीह के संगी वारिस है। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करें। फिर अगली बात हम देखते हैं कि हम जो है बिना कर्म विश्वास मरा हुआ है। हम बहुत विश्वास की बातें करते हैं, मेरा इतना बड़ा विश्वास, मेरा उतना बड़ा विश्वास, मेरे इतना बड़ा विश्वास है, मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ। इतना बड़ा विश्वास होने की ज़रूरत नहीं है, एक राई के दाने के बराबर ही काफ़ी है। एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास अगर हो, यीशु ने कहा, तो पहाड़ों को भी हटाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आपने विश्वास जो है वो किसी मनुष्य पर नहीं रखा है, आपने विश्वास परमेश्वर पिता पर रखा है। तो बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं। विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है विश्वास कौन कौन करता है, बहुत सारे लोग करते हैं विश्वास। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले तो बहुत सारे हैं, और बाइबल में लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। आप तो विश्वास रखते हो लेकिन थरथराते नहीं हो, आप तो जो है बेधड़क रीति से पाप करते हो, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं विश्वास करने के बाद थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा के सामने यीशु का नाम लिया जाता तो थरथराते हैं। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हम बहुत कर्म करते हैं, हम बहुत विश्वास करते हैं, यीशु मसीह अच्छा, यीशु मसीह अच्छा, यीशु मसीह मेरा पूरा भरोसा है, मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ, मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन कभी गए कर्म करने के लिए, कभी प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लोगों को बताया, कभी आपके पड़ोस में जो भूखे मर रहे हैं उनको कभी खाना खिलाया, जो परेशान है उनको कभी देखा आपने, जो है कर्म, यस दशमांश दिया। विश्वास तो बहुत करते हैं लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। वाव। और पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और उसके धर्म के लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। और तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या वो कर्मों से धर्मी ना ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। तो प्रियो हालोले, अगर आपके पास बहुत विश्वास है ना, इतना बड़ा विश्वास कोई फायदे का नहीं है अगर आप कर्म नहीं करते हो, अगर आप प्रचार नहीं करते हो, अगर आप प्रभु की सेवा नहीं करते हो, क्या फायदा उस जो है इतने बड़े विश्वास का? प्रियो बहुत ज़रूरी है, आपको सेवा करना है। आप जो विश्वास करते हैं उस विश्वास के अनुसार आपको कर्म भी करना है। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर फाइनेंशियली आशीष देगा मुझको, तो आपको दशमांश भी चढ़ाना है कैलवरी चर्च में। आपको लगता है कि आत्माओं को जीतना है तो आत्माओं को जीतना जीत के कैलवरी चर्च की आराधना सभा में लाना है, ये सब करना है आपको, इसके लिए आपको रखा गया है। इसलिए तो महामारी में मरे नहीं हम, मैं मरा नहीं, इसलिए ताकि मैं आत्माओं को जीतूं, लोगों को प्रचार करूं, सेवा करूं। विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। आप कहते मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है,
मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं उतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं, लेकिन अगर आपका विश्वास सिर्फ है और कर्म नहीं है तो ठीक नहीं है। सब लोग अपने अपने कामों पे जाते हैं, लेकिन क्या प्रभु के काम के लिए आप जाते हो? कभी कभी प्रचार करने के लिए जाते हो? कभी सेवा करने के लिए जाते हो? यस, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। बाइबल में लिखा है कि हालेलुया, क्योंकि रोमियो 15 में लिखा है, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात का कहने का हियाव नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म। प्रभु यीशु ने क्या किया है? वचन और कर्म। यीशु ने कर्म भी किया है, इसलिए हमें भी कर्म करना है। लिखा है वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे द्वारा किए, और यहाँ तक कि यरूशलेम से लेकर चारों और इकोलियस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। इस पौलुस ने कितना जबरदस्त प्रचार किया। इस पौलुस के कर्म देखो, हालेलुया। वो क्या कहता है कि मेरे मन में ऐसी उमंग है, यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी की नींव पर घर बनाऊं। क्या सुंदर वचन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जय रोमियो जो है उसके दूसरे अध्याय के 6वें 7वें वचन में, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। कितना प्रचार किया, कितनी सेवा की, कितना डरे और कितना नहीं डरे। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा आदर और अमरता की खोज में है वह उन्हें अनंत जीवन देगा। वाव, सुकर्म में स्थिर रहना बेटे भाइयों, सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा आदर और अमरता की खोज में है वह उन्हें अनंत जीवन देगा। हालेलुया। तो प्रियो, आज जो पाप आप कर रहे हैं उस पाप को छोड़ना है और जो है क्या करना है, विश्वास में कर्म करना है, विश्वास के साथ कर्म करना। हालेलुया, बहुत अच्छा है। बाइबल में बहुत सुंदर रीति से लिखा है कि हालेलुया, जब लोग जो है पत्रस और उन लोगों को जो है प्रेरितों को दबाने लगे, तुम प्रभु का प्रचार मत करो, प्रभु का प्रचार मत करो, हालेलुया, तब पत्रस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य कर्म है। प्रेरितों काम 5:29 वचन। और आपको मैं बताऊं कि जो है जब न्याय किया जाएगा तो ज़्यादातर जो है प्रभु हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। कितनी आत्माएं हमने प्रभु के लिए बचाई, प्रार्थना कितनी करी, कितने चैन प्रेयर की प्रार्थना हमने ईमानदारी के साथ करी, कैसे हम संगति के लिए चर्च में आते थे, कैसे थर्सडे प्रेयर और संडे प्रेयर में हम आते थे, कैसे हमने प्रभु की सेवा की, कैसे हमने लगन लगा के प्रभु की आराधना की, उसके अनुसार प्रभु का वचन बार बार बताता है। मैंने थोड़ा स्टडी किया तो बार बार जो है प्रभु कहता है कि तुम्हारे कामों को, कामों को, कामों को, बार बार प्रभु कहता है कि तुम्हारे कामों को। विश्वास तो है ही, लेकिन विश्वास के साथ काम होने चाहिए प्रियो। काम नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए काम करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। जितना काम आप अपने ऑफिस के लिए करते, अपने बॉस के लिए करते हो, उससे ज्यादा हमारे बड़े बॉस जीसस, जीसस इज माय बॉस, उस बॉस के लिए काम करो। जितना काम करते अपने बॉस के लिए और सैलरी के लिए, उससे ज्यादा ज्यादा बनता है भाई यीशु मसीह की सेवा करना और काम करना। बाइबल में प्रभु साफ साफ बोलता है, अपने मुंह से कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उन्हें परख कर तूने झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। वाओ, लिखा है, लेकिन परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। चेत कर, तू कहाँ से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। जैसे पहले काम करता था वैसे तू काम कर। यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट पर उस स्थान को हटा दूंगा। हाँ बाप रे, काम। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 2 वचन से मैं पढ़ रहा था। फिर 19 वचन में लिखा है, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ,
और यह भी जानता हूँ कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। ये पहले लोगों को बता रहा है कि तूने पहले से काम करना है, लेकिन अब इन लोगों को बता रहा है कि तेरे पहले कामों से अब के काम जो बहुत अच्छे हो रहा है। प्रभु परमेश्वर हमारे कामों को देख रहा है, सिर्फ हमारे विश्वास को नहीं देख रहा है। कैसे आप जा रहे और लोगों को प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, कैसे आप ट्रैक्स बांट रहे हैं, कैसे आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि जो है ऐसे भी काम है जो व्यभिचार के काम, गंदे काम। हाँ, बाइबल में लिखा है कि तेरे विरुद्ध कहना है उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है कि जो अपने आप को भजदक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने के लिए और जो है वो दुष्ट चीज़ें खाने के लिए सिखला कर भरमाती रहती है। मैं उसे, वहाँ लिखा है, मैं उसे खाट पर डालता हूँ जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं। यदि वे उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। बाप रे, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं और मैं तुमको हरेक के उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। फिर से प्रभु कहता कि काम काम। प्रभु ना काम बहुत ज्यादा देख रहा है। हम जो है बिस्तर पे लेटे रहेंगे और सोते रहेंगे तो नहीं चलेगा। आप जब बाहर जाते हो दूध लाने के लिए प्रभु का प्रचार करो, सब्जी लाने के लिए जाते हो प्रभु का प्रचार करो, उनको कलवरी चर्च में लेके आओ, उनको जो है हालेलुया और प्रभु की महिमा करवाओ। बाइबल में लिखा है। फिर अगला वचन काम के बारे में, फिर से प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय में पहले वचन से, और सरदेश की कलीसिया के दूत को यह लिख जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं 7 तारे, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तेरे काम है नहीं कुछ, जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है मिटने को थी दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। किसी काम को मैंने निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि लेकिन जो जय पाए उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब इसका मतलब ये, परमेश्वर काट सकता है नाम, परमेश्वर काट सकता है नाम। अगर हम काम नहीं करेंगे प्रभु के लिए तो परमेश्वर जीवन की पुस्तक में से नाम काट देगा। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, गुड़बाजी लेके बैठ जाते हैं हम जो है कलीसिया में पॉलिटिक्स लाते हैं, सेवकाई में पॉलिटिक्स लाते हैं, प्रभु उनका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा, काट देगा। ऐसे बाइबल बताती, मैं नहीं कह रहा हूँ। काटने का अधिकार प्रभु के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मुझे सिर्फ बताने का अधिकार दिया है प्रभु ने। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आपको कौन सा काम है प्रभु यीशु मसीह का? कितना प्रचार करते हैं आप? क्या दुनिया भर में प्रभु का प्रचार करते कि बस दूसरे कामों में लगे रहते हैं, हमेशा गुड़बाजी में लगे रहते हो, फूट लाने की पक्षपात करते हो, किसी को तुच्छ समझते हो, परमेश्वर के दासों को तुच्छ समझते हो, जो नम्र है, जो गरीब है उनको तुच्छ समझते हो, जो हमारे गुट का नहीं उसको मदद मत करो, वो उसके गुट का है उसको मदद करो। ऐसा अगर कलीसिया में चलेगा तो प्रभु परमेश्वर बहुत गुस्सा है। फिर से प्रभु कहता है तीसरे अध्याय के पहले वचन में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी है और तू मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहता है कि हालेलुया, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हालेलुया। फिर से प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय के 15 वचन में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुँह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, अच्छा, और मुझे किसी बात की घटी नहीं है,
और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे, जिससे मैं प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना भी देता हूँ, इसलिए कि शर्म कर सरगर्म हो और मन फिरा। वाव, प्रभु परमेश्वर आपको ये जय वचन दे रहा है इसलिए ताकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, जिससे मैं प्रीति रखता हूँ सबको उल्हाना और ताड़ना भी देता हूँ, ताकि आपका हेवन, आपका स्वर्ग मिस ना हो। इसलिए प्रभु कहता है कि तू कहता है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इतने सारे लाख जो है मैंने यहाँ पे रखे हैं, वहाँ पे रखे हैं, इसने इतने मैंने सेविंग पे रखे हैं, इतने मेरे उस बैंक अकाउंट में, उसमें बैंक अकाउंट में है। प्रभु कहता है कि तू कहता तो है कि मैं बहुत धनी हो गया हूँ, प्रभु कहता है कि तू कंगाल है, प्रभु कहता है कि तू नंगा है, तू कहता है कि मैंने बहुत सुंदर सुंदर फैशन के कपड़े पहने हैं, फटी जींस भी मेरे पास है, ये जो है सारा अंग प्रदर्शन में करता हूँ, जो है कम से कम कपड़े पहनता हूँ और सारे दुनिया भर के फैशन करता हूँ, और मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास तो वैसा है। प्रभु कहता है कि तू तुच्छ है, अभागा है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। अपने आप को तू बहुत धन्य समझ रहा है, इस दुनिया का पैसा ही पैसा नहीं है। प्रभु की सम्मति क्या है देखिए हमारे लिए, मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र पहन ले कि तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। प्रभु करे कि आपको ऐसा करने के लिए सहायता करे, परमेश्वर करे कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा फिर से एक बार। प्रभु जी, मेरे ये दर्शक और जितने सारे कलवरी चर्च के सदस्य हैं, प्रभु उनके कामों को तो जानता है, प्रभु मेरे कामों को तो जानता है। अगर हमारे काम प्रभु परमेश्वर पिता ओ तुझे आनंद नहीं दे रहे हैं, तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे काम करे, ऐसा प्रचार करे, ऐसी सेवा करे, ऐसा उपास करे, ऐसा दान चढ़ाए, ऐसा दशवांश दे, ओ प्रभु परमेश्वर पिता ऐसा ऐसा काम करेगी जो तू चाहता है। प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर तेरी दृष्टि में हमारे काम अच्छे हो, मनुष्य की दृष्टि में नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। प्रभु प्रभु हमारे कामों की पड़ताल कर और हमारे काम अच्छे हो, ताकि हम स्वर्ग में जा सके, ताकि आप हमारा नाम प्रभु ओ जीवन की पुस्तक में से न काटे। प्रभु यहाँ पे जो जितने सारे व्यक्ति देख रहे हैं प्रभु जी, कृपा करके उनके ऊपर अपनी कृपा कर, जाहिर कर, उनका नाम जीवन की पुस्तक में ना काटना प्रभु जी, और उन्हें आशीषित करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। बहुत सारे वचन मेरे पास हैं, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कितना जबरदस्त रीति से, हालेलुया, सबके परमेश्वर की लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 12 वचन, फिर मैंने बड़े छोटे सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर मैंने एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को उसमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में वे डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। बाप रे, जो अन्याय करता है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 11 वचन में, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल प्रभु कहता है मेरे पास है। बाप रे, तो हर एक का काम परखा जाएगा भाई, हर एक का काम परखा जाएगा। प्रभु परमेश्वर के लोगों, आज हम प्रभु परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा काम परखा जाए और वो अच्छा काम निकले, प्रभु जी अच्छा काम निकले। खुल जाएंगी किताबें, ओ
खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु को तू अपना ले उद्धार का ये दिन है। आज है वो मुक्ति दाता आज क्षमा कर सकता है वो। आज है वो मुक्ति दाता कल न्यायाधीश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। फिर हमने देखा आज बिना यीशु के हम व्यर्थ हैं। बिना लहू बहाए हमारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती। और अगर हम जब विश्वास करते हैं यीशु के बहावे लहू पर हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। तीसरी बात हमने देखी थी कि हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाता हुआ हालेलुया झांझ और पीतल के समान है। और फिर बाद में हम अगली बात देखी थी कि विश्व कर्म के बिना विश्वास जो है वो मरा हुआ है। और आखिरी बात बता के मैं बंद करूँगा, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास के हम प्रभु के प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो विश्वास मतलब क्या? कर्म प्लस विश्वास मतलब खरा विश्वास। ऐसा झूठा विश्वास नहीं चाहिए। हाँ मैं बहुत खुदा पर विश्वास करता हूँ, खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा है, और जब दशमांश देने की बात आती तो गायब। ऐसा विश्वास नहीं चाहिए। हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, प्रचार करने की बात आई तो मुंह बंद। कर्म मैं आपके कामों को जानता हूँ, प्रभु कहता है। हालेलुया, मैं आपके कामों को जानता हूँ। प्रभु आपके कामों को जान रहा है, देख रहा है, लिख रहा है। ओ यस। और अगर प्रभु को खुश करना चाहते हो तो आपके लिखा है कि उसे और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज हम प्रभु हमारा विश्वास देख रहा है। प्रियो मैं आपको बताऊं, प्रभु आपका विश्वास देख रहा है कि कैसा विश्वास है इसका। कर्म के साथ विश्वास है क्या? अगर है तो मजबूत है कि छोटा है? आपका विश्वास कितना छोटा है कि अच्छा भरपूर है, भक्कम दृढ़ विश्वास है? बाइबल में जो है एक बार जो है एक झोले के मारे को लोग ला रहे थे और उसको छप्पर खोल के यीशु के सामने लाया। पर अभी बाइबल में लिखा है यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर इस झोले वाले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने इस जो बीमार था उसका विश्वास नहीं देखा, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास उस झोले वे को ला रहे थे उनका विश्वास देखा। आज प्रभु आपका विश्वास देख रहा है। बाइबल में लिखा है कि मरकुस 4 अध्याय में, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, है गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो और क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? बाप रे, प्रभु कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं क्या? हालेलुया। बाइबल में जो है बहुत सारे ऐसे विश्वास के बारे में बताया जाता है।
बाइबल में लिखा है कि हालेलुया, यीशु ने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों का सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। बाप रे, तो इसलिए विश्वास। हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि हालेलुया कि लूका 8 अध्याय में तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को और लहरों को डांटा, तब वे थम गए और बड़ा चैन हो गया। उसने उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रभु कहता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है? बाप रे, हालेलुया। मुझे याद है कि जो है कैसे वो विश्वास, विश्वास की बातें जो है वो कहा जाते हैं। हालेलुया कि जो है मेरे बच्चे, 3 बच्चे मेरे, और जब वो कभी कभी जब बच्चे छोटे थे, जब वो आते थे एकदम आते थे, तब जो है वो सुबह सुबह कपड़े कभी कभी बिना कपड़े के पहन के पापा 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 और मुझे लिपट जाते थे। मैं कहता है अरे तेरे कपड़े कहाँ हैं? तेरे कपड़े कहाँ हैं? जा जल्दी इसको कपड़े पहना। फिर वो कपड़े पहनते थे छोटे से बच्चे, अब उनको कुछ पता नहीं कपड़े पहनना क्या करना है। यहाँ जी हाँ, और जो है जब सेनापति सैनिक को कहता है तू लड़ाई पे जा रहा है लेकिन तेरी बंदूक कहाँ है? वाओ, हमारे कैलवरी चर्च में जो भी आता है अगर वो मेंबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा मेंबर हो चाहे वो कितना भी छोटा मेंबर हो, अगर उसने बाइबल नहीं लाई है तो मैं उसको पूछता हूँ बाइबल लाई है क्या? ब्रदर बाइबल क्यों नहीं लाई? बाइबल अगली बार लेके आना। और हमारे चर्च में इस बात को बताया जाता है, और कितनी खुशी की बात है कि जब मैं इस बात को टोकता हूँ तो कलवरी चर्च का हर एक जन बाइबल लेके आता है। ऐसे मतलब बहुत एकाध बार होता है कि कोई बाइबल ना लाए, और मैं हर कोने कोने में जाके चेक करता हूँ कि बाइबल लाई है कि नहीं लाई है। हालेलुया, विश्वासी को पूछा जाता है चर्च में तुम्हारी बाइबल कहाँ है? और यीशु मसीह हर विश्वासी को पूछता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारे ऊपर इतनी तकलीफें आ रही है, महामारी आ रही है, समस्या आ रही है, परेशानी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज प्रभु करे कि आपका विश्वास मजबूत हो। हालेलुया, आप विश्वास से भटक ना जाए। हमारा विश्वास जो है वह सामर्थ्य है। हालेलुया, और विश्वास को हमारे जीवन में ले। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास कहाँ है? एक कहानी बता के मैं बंद करूँगा। हालेलुया, एक बार जो है एक आदमी जो है पहाड़ पे चढ़ता है, बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाता है, और पहाड़ पे जाते 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 क्या होता है कि जो है वो अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद में जो है वो किसी तरीके से पांव फिसल के गिर जाता है। रात का अंधेरा, वो धड़ 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 इधर का इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, इस डाली पे गिर रहा है, उस डाली पे गिर रहा है, ऐसा करते करते बहुत नीचे आ गया वो। और जो है वो एक डाली को पकड़ लेता है। अरे बाप रे, बच गया, इतनी बड़ी खाई से मैं बच गया, धन्यवाद प्रभु। चिल्लाना शुरू करता है, कोई है क्या बचाओ, कोई है क्या बचाओ, अरे बचाओ मेरे प्रभु यीशु, बचाओ मेरे प्रभु यीशु, बचाओ। यीशु मसीह वहां पे आ जाते हैं। मेरे बेटे क्या हो गया? प्रभु मुझे बचाओ, मुझे अपनी गोदी में ले लो, मुझे अपनी गोदी में ले लो। प्रभु यीशु मसीह, तो क्या तू मेरे ऊपर विश्वास करता है? हाँ प्रभु, मेरा बहुत पक्का विश्वास है तेरे ऊपर, बहुत विश्वास करता हूँ मैं तेरे ऊपर। अच्छा, तो फिर एक काम कर, उस डाली को छोड़ दे। हाँ हाँ, उस डाली को छोड़ दे। प्रभु कहते हैं कि उस डाली को छोड़ दे। वो और चिल्लाता है, अरे यीशु मसीह को छोड़कर कोई है क्या मुझे बचाने वाला यहाँ पे? यीशु मसीह को छोड़ के कोई है क्या यहाँ पे मुझे बचाने वाला? उसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर जो था वो हट गया। उसने कहा कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूंगा जो मुझे कह रहा है कि दलाली को छोड़ दे। ऐसे बहुतों का विश्वास है, नौकरी गई नौकरी गई, अरे मेरी पत्नी चली गई, अरे मेरा ये हो गया, अरे मेरा बेटा फेल हो गया, अरे मेरी बेटी फेल हो गई, अरे मुझे पैसा नहीं है। अरे प्रभु पर विश्वास है क्या? नहीं है? हाँ, तो डाली छोड़ दे। डाली छोड़ दे। वो रात भर लटकता रहा उस डाली पे, और रात भर लटकता रहा, और सुबह जब हो गई तो उसने क्या देखा कि उसके पैर के नीचे सिर्फ 1 फुट पे जमीन थी। उसके
पैर के नीचे एक फीट पे जमीन थी। तो आज प्रियो आपका विश्वास कितना बड़ा है, कर्मों के साथ विश्वास है क्या नहीं आप देख लीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। आज हमने कौन से पॉइंट देखे? पहली बात, यीशु के बिना हम व्यर्थ है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तीसरी बात, हमारे अंदर प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो जितनी भी मिनिस्ट्री करो, बाइबल में लिखा है कि कुछ भी नहीं और कुछ भी लाभ नहीं। अगली बात हमने देखी, चौथी बात, बिना विश्वास बिना कर्म विश्वास मरा हुआ है। और पांचवी बात, हालेलुया, बिना विश्वास के हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जितने सारे दर्शक आज ये वचन देख रहे हैं, प्रभु आज तेरी पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडला रही है और प्रभु जो कुछ प्रभु के वचन से बताया गया है उसके अनुसार करने के लिए सहायता कर। प्रभु ये वचन किसी को जानबूझ के प्रभु परमेश्वर सोच के प्रभु हमने ये वचन प्रचार नहीं किया है, लेकिन आज मेरी ये प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु लोगों के साथ तू बोल और बातचीत कर। प्रभु परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर और लोगों से बोले, प्रभु तेरा वचन दुधारी तलवार है प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर पिता, ओ गुदे गुदे को आर पार छेदती है प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हर एक के साथ बातचीत कर और जो तेरा वचन सुनेगा मानेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, देखने वाले हर एक जन को स्वर्ग मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है। एक हर एक जन प्रभु अपना पश्चाताप करे, हर एक जन प्रभु अपने बुरे चाल से फिरे और हर एक जन के ऊपर तेरी आशीष रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना कबूल कर पिता। आमेन, आमेन और आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमेन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे प्रियो और आपको बड़ी बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।